रहीम, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है और फिर हम देखेंगे एक्टिविटी कोफिशेंट का एक्टिविटी के साथ रिलेशन क्या है। आप जानते हैं कोई भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट के वो मोल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी एक्टिविटी है। तो इसी तरह जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट को हम डिज़ाल्व करते हैं, जो अमाउंट डिज़ाल्व होगी वो हम कहेंगे दिस इज़ द इफ़ेक्टिव क्वांटिटी, और यही इफ़ेक्टिव क्वांटिटी का रिलेशन एक्टिविटी के साथ है, एक्टिविटी ऑफ द कोफिशेंट। सो वी कैन राइट हेयर एक्टिविटी जिसको हम ए से शो करते हैं इज प्रोपोर्शनल टू एम, एम इज द मोलैलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो गैमा जो है ये एक्टिविटी कोफिशेंट है, ए इज इक्वल टू गैमा एम, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। अब हम यहाँ दो सोल्यूशन लेते हैं, दोनों के दोनों ऑक्सैलिक एसिड के, एक है वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और जो दूसरा है वो है वन मोलर ऑक्सैलिक एसिड। तो जब हम इनकी एक्टिविटी को देखते हैं कि वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी या वन मोलर की, तो हमें पता चलता है जो वन मोलर सॉल्यूशन है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है कि एक नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो वी नीड 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो एक लीटर के अंदर 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के डिज़ोल्व होंगे। जबकि जब हम वन मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं वी नीड 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो अब यहाँ देखें कि मोलर सॉल्यूशन में अमाउंट ज़्यादा है, 126 ग्राम है, और नॉर्मल में 63 ग्राम है। तो एक्टिविटी का रिलेशन किसके साथ है? क्वांटिटी के साथ है, मोलैलिटी के साथ है, मोलैरिटी के साथ है। तो इट मीन वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कंटेन मोर एक्टिविटी एज कंपेयर टू वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब एक्टिविटी कोफिशेंट गैमा किसके इक्वल हुआ? गैमा इज इक्वल टू ए ओवर एम, यानी कि एक्टिविटी और मोलैलिटी की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी कोफिशेंट। अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट की। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए एक्स बी वाई। जब हम इसको सूटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं वी गेट एक्स मोल ऑफ कैटाइन एंड वाई मोल ऑफ एनायन। जो इलेक्ट्रोलाइट कैटाइन प्रोड्यूस कर रहा है उसके एक्स मोल प्रोड्यूस होंगे और वो उसी कैटाइन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एनायन के जो मोल हैं वो वाई है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कैटाइन और एनायन के कंसंट्रेशन पे। सो वी कैन राइट हेयर टोटल एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम शो करते हैं ए टू से। दिस इज रिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ कैटाइन रेज मोल, उनके जो कंसंट्रेशन है कैटाइन की जो एक्स मोल प्रोड्यूस हो रहे थे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्टिविटी ऑफ एनायन और उसके मोल्स की पावर, यहाँ मोल पावर में लिख देंगे। सो ए टू इज इक्वल टू ए पॉजिटिव रेज पावर एक्स, ए नेगेटिव रेज पावर वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड वन। यहाँ एक सपोज करते हैं और कि जो कैटाइन के मोल हैं एक्स और वाई के मोल, जो एनायन के मोल हैं वो वाई, इन दोनों को सम अप करें दिस इज इक्वल टू टोटल मोल जिसको हम शो कर देते हैं वी से। ये टोटल मोल्स हैं कैटाइन और एनायन के, ना के वॉल्यूम है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। तो यहाँ टोटल एक्टिविटी जो है वो ए टू से शो करते हैं, और इसी तरह हम मीन एक्टिविटी भी देख सकते हैं इंडिविजुअल आयन की, और उसको हम शो करते हैं ए पॉजिटिव नेगेटिव से। मीन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन ए पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू टोटल एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रेज पावर वन अपॉन वी।
वी जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन एनायन है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड वन। अब आप इक्वेशन नंबर टू से वैल्यू लेकर इसको आप थर्ड में पुट कर दें, यानी ए टू की वैल्यू ले टोटल एक्टिविटी की, थ्री में आप पुट करते हैं, मीन एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ कैटायन रेस पावर एक्स एक्टिविटी ऑफ एनायन रेस पावर वाई टोटल पावर जो वन अपन वी। इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन फोर्थ वन मिले। बट वी नो दैट, ये भी हम जानते हैं एक्टिविटी का रिलेशन है विद मोलैलिटी और एक्टिविटी कोफिशेंट के साथ। एक्टिविटी ऑफ आयन इज रिलेटेड टू देयर कंसंट्रेशन एज फॉलो। कैटायन की जो एक्टिविटी है इसको हम शो कर सकते हैं एक्टिविटी कोफिशेंट ऑफ कैटायन एंड मोलैलिटी ऑफ कैटायन। इन द सेम वे एक्टिविटी ऑफ एनायन इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशेंट ऑफ एनायन एंड मोलैलिटी ऑफ एनायन। दिस इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ वन। अब यही वैल्यू उठा के हमने पुट करना इक्वेशन नंबर फोर में, जहाँ एक्टिविटी ऑफ कैटायन मौजूद है ए पॉजिटिव और एनायन की मौजूद है ए नेगेटिव, और ये वैल्यू यहाँ मौजूद है इक्वेशन नंबर फिफ्थ में, वहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फोर में, वी विल गेट इक्वेशन नंबर सिक्स वन, दैट इज द मीन एक्टिविटी ऑफ कैटायन एनायन इज इक्वल टू और एनायन इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ कैटायन रेस पावर एक्स मोलैलिटी ऑफ एनायन रेस पावर वाई होल पावर वन अपान वी इन टू एक्टिविटी कोफिशियंट ऑफ कैटायन रेस पावर एक्स एक्टिविटी कोफिशियंट ऑफ एनायन गैमा नेगेटिव जिसको बोलते हैं रेस पावर वाई एंड टोटल पावर वन अपान वी। इक्वेशन नंबर सिक्स वन। अब ये जो इक्वेशन नंबर सिक्स वन है इसमें एम पॉजिटिव एम नेगेटिव और उनकी पावर एक्स वाई और होल पावर वन अपान वी जो है इसको हम बोलते हैं मीन मोलैलिटी। क्या बोलते हैं? मीन मोलैलिटी ऑफ जो है ये मीन मोलैलिटी, इसको हम एम पॉजिटिव नेगेटिव से भी शो कर सकते हैं और एम से भी शो कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिविटी कोफिशेंट है पॉजिटिव कैटायन एनायन की और उनकी पावर एक्स वाई और होल पावर वन अपन वी, इसको हम बोलते हैं मीन एक्टिविटी कोफिशेंट, इसको भी हम गैमा पॉजिटिव नेगेटिव से या गैमा से शो कर सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर जो सिक्स है उसको हम मीन एक्टिविटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर सिक्स कैन बी रिटन एज मीन एक्टिविटी कैटायन पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू एम पॉजिटिव नेगेटिव गैमा पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर एम पॉजिटिव मोलैलिटी को एम पॉजिटिव नेगेटिव रहने तो गैमा भी पुट कर सकते हैं, या आप इसको एम भी पुट कर सकते हैं और गैमा के साथ एम पॉजिटिव नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, और दोनों के साथ दोनों को हम एम गैमा भी शो कहीं कर सकते हैं, या मुख्तलि लिटरेचर मुख्तलि बुक्स में ये आपको ये चीज़ें मिल सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेवन्थ वन मिलेगी। बट वी नो दैट इक्वेशन नंबर जो थर्ड वन थी वो क्या थी? मीन एक्टिविटी ऑफ कैटायन एनायन इज इक्वल टू टोटल एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रेस पावर वन अपान वी। दस अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या आप एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लें और उधर आप मीन एक्टिविटी को जो वी, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं जो वी है इसको हम दोनों साइड पे हम पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है ए टू विल बी इक्वल टू मीन एक्टिविटी रेस पावर वी। इक्वेशन नंबर एट हमें मिलेगी। अब हम इक्वेशन नंबर एट में वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर हम सेवन से वैल्यू लेके इक्वेशन नंबर एट में पुट करते हैं। सो वी विल गेट टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी एक्टिविटी इज इक्वल टू, यानी ए टू इज इक्वल टू एम पॉजिटिव नेगेटिव गैमा पॉजिटिव नेगेटिव होल पावर वी। इक्वेशन नंबर नाइन। इफ मोलैलिटी एम इज मोलैलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, हम अब सपोज करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है ना ए एक्स बी वाई, ये इलेक्ट्रोलाइट था यानी सोडियम क्लोराइड है एन ए सी एल है, ठीक है, या कोई और है एन ए टू एस ओ फोर है या बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ हम जनरल शो कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट है ए एक्स बी वाई। अगर इसी के इलेक्ट्रोलाइट का हम शो करते हैं एम से तो फिर क्या होगा? जो कैटायन की मोलैलिटी होगी उसको एम पॉजिटिव से शो कर सकते हैं और एनायन की एम नेगेटिव से भी शो कर सकते हैं। इट मीन मोलैलिटी ऑफ कैटायन एम पॉजिटिव इज इक्वल टू
मोल ऑफ कैटन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीप्लाई मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये मोलैलिटी ऑफ कैटाइन के बराबर होगी। इसी तरह मोलैलिटी ऑफ एनायन जो है, आप क्या करें जो एनायन के मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रोलाइट की मोलैलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ एनायन। सो दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल टू इक्वेशन नंबर 10। वी कैन पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6 में ये वैल्यू आप पुट कर दें मोलैलिटी की। सो वी विल गेट मीन एक्टिविटी ए पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू एक्स मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रेज पावर एक्स एंड वाई मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रेज पावर वाई एंड होल पावर 1/V एंड गैमा, गैमा जो एक्टिविटी कोफिशेंट है, गैमा पॉजिटिव नेगेटिव। अब यह जो एक्स पावर है ये सब की पावर है, हम लिख सकते हैं यानी कि एक्स की पावर एक्स, एम की पावर एक्स, इसी तरह वाई की पावर वाई, एम की पावर वाई, होल पावर 1/V और मीन एक्टिविटी कोफिशेंट। अब मज़ीद इसको आप रीअरेंज करेंगे तो सो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 11 मीन एक्टिविटी। मीन एक्टिविटी ए पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू गैमा एक्स एक्स रेज पावर एक्स, वाई रेज पावर वाई, होल पावर 1/V एम, गैमा पॉजिटिव नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 11 हमें मिलेगी। और इसी तरह नेक्स्ट जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है जिसको हम A2 से शो करते हैं, A2 इज इक्वल टू मीन एक्टिविटी कोफिशेंट ए पॉजिटिव नेगेटिव होल पावर वी के बराबर है। तो यहाँ ए पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू इक्वेशन नंबर 11 से उठाएं, इसको लें इक्वेशन नंबर 12 में पुट करें। तो सो टोटल एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2 विल बी इक्वल टू एक्स रेज पावर एक्स, वाई रेज पावर वाई, एम रेज पावर वी एंड गैमा कोफिशेंट रेज पावर वी, इक्वेशन नंबर 13। तो ये इक्वेशन नंबर 13 जो है और इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास 11 है, दे आर हेल्पफुल टू स्टडी द एक्टिविटी कोफिशेंट मीन एक्टिविटी या टोटल एक्टिविटी जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट मीन एक्टिविटी, मीन एंड टोटल एक्टिविटी ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड की जो मोलैलिटी है वो एम है और इसका एक्टिविटी कोफिशेंट है वो गैमा है। तो जब हम पोटाशियम क्लोराइड को सूटेबल सॉल्वेंट में पुट करते हैं वी गेट 1 मोल ऑफ पोटाशियम आयन कैटाइन और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो इनकी हम एक्टिविटी जो हमने मालूम करना चाह रहे हैं वो है मीन एक्टिविटी ए पॉजिटिव नेगेटिव और टोटल एक्टिविटी A2, ये मालूम करना चाह रहे हैं। और यहाँ हमने नोट करना है हमारे पास जो एक्स है यानी कि कैटाइन के जो मोल्स हैं वो 1 है एक्स, और जो एनायन है उसके मोल वो भी 1 है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो इट मीन वी जो हुआ टोटल वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू 2। अब आप इक्वेशन हमारे पास मौजूद है मीन एक्टिविटी की, मीन एक्टिविटी ए पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू एक्स रे पावर एक्स, वाई रेज पावर वाई, होल पावर 1/V, एम गैमा पॉजिटिव नेगेटिव या मीन एक्टिविटी कोफिशेंट। तो यहाँ हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट एम गैमा दैट इज द मीन एक्टिविटी कोफिशेंट। और जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है वो A2 है, दैट इज इक्वल टू मीन एक्टिविटी रेज पावर वी। तो अब हम यहाँ पुट वैल्यू कर देते हैं मीन एक्टिविटी की, तो वी विल गेट टोटल एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर गैमा स्क्वायर। तो इसी तरह और भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे देखेंगे, यहाँ एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड की दी गई है, इसको भी आप देखें और मज़ीद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।